हेलो दोस्तों, हमारे चैनल लाइफ न्यूज़ पर आपका स्वागत है। साल 2021 का आखिरी चंद्र ग्रहण 19 नवंबर को होगा। कार्तिक पूर्णिमा को होने वाले इस ग्रहण का धार्मिक महत्व नहीं होगा, लेकिन मौसम में होंगे बदलाव। इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 19 नवंबर यानी कार्तिक पूर्णिमा पर होगा, जबकि 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण होगा। दोनों ही ग्रहण एक पखवाड़े में होंगे। चंद्र ग्रहण वर्ष राशि और कृतिका नक्षत्र में होगा। 19 तारीख को होने वाला चंद्र ग्रहण आंशिक रूप से अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में बहुत कम समय के लिए दिखेगा, जबकि पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी इलाकों में ऐसा दिखाई देगा। यह ग्रहण जहां नहीं दिखेगा वहां सूतक मान्य नहीं रहेगा, पर ज्योतिषियों का मत है कि इसका असर मौसम और राशियों पर जरूर पड़ेगा। अब आपको दोस्तों ग्रहण का सही समय बताने जा रहे हैं। ज्योतिष आचार्य के मुताबिक शुक्रवार कार्तिक पूर्णिमा पर भारतीय समय अनुसार ग्रहण सुबह 11:30 बजे से शाम 5:35 तक रहेगा। लगभग पूरे देश में ग्रहण दिखाई नहीं देने से इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। मंदिरों व घरों में पूजा की जा सकेगी। पूर्णिमा पर ग्रहण का प्रभाव न होने से दान पुण्य के लिए ये दिन श्रेष्ठ रहेगा, तथा ग्रहण के बाद 2-3 दिन के भीतर मौसम में बदलाव दिखेंगे, जिससे देश के उत्तरी हिस्सों में बर्फबारी और बूंदाबूंदी के साथ तेज़ हवा चल सकती है। बताते हैं राशि पर इस ग्रहण का क्या होगा असर। मेष राशि, धन हानि के योग हैं। वर्ष, मानसिक तनाव और शारीरिक परेशानी बढ़ सकती हैं। मिथुन, वाहन सावधानी से चलाने होंगे तथा दौड़ भाग और तनाव वाला समय रहेगा। कर्क राशि, कार्य क्षेत्र में सफलता के योग हैं। सिंह है, नौकरी और बिजनेस में तरक्की के योग हैं। कन्या, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुला, सेहत पर ध्यान रखें, लोगों से मनमुटाव हो सकता है, तनाव भी बढ़ सकता है। वृश्चिक, धन लाभ और कामों में सफलता होगी तथा ध्यान से रहें। धनु, आय के नए साधन बनेंगे, दुश्मनी पर जीत मिलेगी, मकर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। कुंभ, व्यापार में लाभ में कमी होगी, माता की सेहत को लेकर चिंता बढ़ सकती है। मीन, निर्णय सोच समझ कर ले, मेहनत ज़्यादा करनी होगी।